स्टेशन पर आए हुए हैं और कैंट स्टेशन पर हम ये मालूम करेंगे कि यहाँ के टिकटों के खैरपुर, लालपुर, मुल्तान, सक्कर कहाँ कहाँ की ट्रेनें किस किस तरीके से जाती हैं, ताकि हमें पता रहे। और ये सारे पीछे देखें, ये सारे लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पर लोगों के आने का इंतज़ाम और अहतमाम करते हैं, यानी कि उनका सामान वगैरह लेकर जाते हैं। आप इनको भी दिखाइए और इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके बाद चलेंगे आगे की तरफ और जाके मालूमात करेंगे कि भाई यहाँ पे क्या सिलसिला है स्टेशन पे, लोगों को जो परेशानी का सामना देखना पड़ता है वो उससे बच जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो बस सही है, इंशाल्लाह उधर चलते हैं हम लोग। कैंट स्टेशन बहुत पुराना स्टेशन है ये और बहुत ज़बरदस्त है ये। 1898 इस पर लिखा हुआ है। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? लाहौर जाएगी। क्या नाम है इसका? कराकरम। अच्छा जी, ये कराकरम है और ये लाहौर जाएगी। कैंट स्टेशन बड़ी ज़बरदस्त, कराची का बहुत पुराना स्टेशन है ये। ये देखें, ये इतना पुराना स्टेशन है, इस पर लिखा हुआ है बाकायदा। तो अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके मालूम करेंगे कि यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बुकिंग का या फौरी जाने पर क्या इंतज़ाम, तो इंशाल्लाह देखते हैं जाके। नज़र ही नहीं आएगा, नहीं नज़र आएगा, देखते हैं। ये मुसाफिर खाना है और बहरहाल लोग यहाँ पर अंदर जाते हैं और वेट करते हैं अपने टाइम का। आप कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से आ रहे हैं, अच्छा। तो लाहौर का टिकट कराची तक का कितने का था? 2600 रुपए का तकरीबन। जी अच्छा, 2600 रुपए का टिकट था। अच्छा, तो आप कौन सी ट्रेन से आए? ग्रीन प्रेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नई ट्रेन है, मैंने तो यार इसका नाम पहले नहीं सुना। ग्रीन लाइन। अच्छा, तो आप ये बताइए कितने टाइम में पहुँचाया इन्होंने आपको? टाइमिंग अपन लगी साजी। लेट तो नहीं हुई गाड़ी? 16-17 घंटे के अंदर आ गए आप। 27 कितने पैसे बताए आपने? 2600 रुपये। वेरी गुड यार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने इस तरह मालूम करना था थोड़ा थोड़ा, ताकि ट्रेन के हवाले से कि उसके कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं और कौन कौन से टाइमिंग है उसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम ट्रेनों के रेट लिखे हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो अगर आप चाहें तो ऐप पे भी देख सकते हैं, पाक रेलवे ऐप के ऊपर जाकर भी आपको ये तमाम रेट्स और ट्रेनों के टाइमिंग जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन बहरहाल मैंने कहा थोड़ा सा इस बोर्ड की वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी गाड़ी कहाँ जाएगी। ये रहमान बाबा का लिखा हुआ है, ठीक है। ये कराची एक्सप्रेस है, उसके रेट लिखे हुए हैं। इसी तरीके से ये आगे चलते हैं कराकरम की तरफ, जो कि अभी अभी निकल कर गई है। उसके रेट हैदराबाद के 400 रुपए हैं, रोड़ी के 1100 और खानेवाल के 1800 और फैसलाबाद के 2050 और लाहौर के 2100। तो इस तरीके से आपको जब आप स्टेशन आएंगे तो अपने टाइम से पहले आए, क्योंकि गाड़ी जो है वो वक्त पे निकल जाती है। बस मैं ये आपको बताना चाहता था। इसमें दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
वो ये कि जब आप ट्रेन के ज़रिए कहीं जाना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं होता। उसमें ये होता है कि आप जो है इसकी ऐप जो है पाक रेलवे के नाम से, उसको अपने फ़ोन में ऐप को डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपना नाम लिखें, सिटी लिखें और अपना फ़ोन नंबर लिख दें, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी। आप चाहें तो घर से बैठ के बुकिंग कर लें या यहाँ आके कर लें, लेकिन ये बात जहन में रहे कि ट्रेन कराची से तो मैंने देखा वक्त पे निकल जाती है। मैंने कई बंदों को देखा बेचारे टिकट लिए हुए थे और उसके बावजूद उनकी गाड़ी निकल चुकी थी। तो ये परेशानी से बचने के लिए आपको पहले यहाँ आना होगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।